हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। ये है कनॉट प्लेस में और आज है 23 अप्रैल। तो इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो सोचा क्यों ना वहाँ हम घूम कर आएँ। और उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो महाभारत के काल से वो मंदिर है। तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो रेडी होके फिर निकलते हैं कनॉट प्लेस, फिर वहाँ मिलते हैं। बाय बाय। मैं रेडी हो गई हूँ और हम निकलते हैं। मौसम भी ख़राब हो गया है, कहीं बारिश ना हो जाए। और टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है। ये देखो कितना बुरा हाल है। मैं और मेरा बेटा आंधी तूफान का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। आंधी तूफान इतना चल रहा है कि आँखों में मिट्टी जा रही है। मेरे बाबू की नहीं जा रही, पर मेरे तो बहुत जा रही है। और ये देखो कैसे आंधी तूफान आ रहा है। सच में आंधी तूफान में तो कहीं भी जाने में डर लगता है कि कहीं कुछ चीज़ उड़ के गिर हमारे सर में ना आ जाए। और अब हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन, यहाँ से पूरा नज़ारा। अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। हम अंदर हैं तो टेंशन की क्या बात है। हमने मेट्रो में जाना है, मेट्रो में जाएंगे तो जब तक पहुंचेंगे तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। और अब हम मेट्रो में आ गए हैं जहां से हमें बैठना है। अब वेट करेंगे मेट्रो का, कब वो आएगी, कब हम जाएंगे, देखो कब आती है, कब जाते हैं, कब पहुँचते हैं। टाइम तो दिखा रहा हम आधा घंटा में पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं। और ये यहाँ पर बैठे हुए दोनों साहबजादे, और यहाँ पे भी ये दोनों, ये मेरा लड़का है ना, ये बहुत परेशान करता है। ये कहता है मुझे पकड़ो ऐसे और मैं यहाँ पकड़ूंगा मेट्रो को। ये बहुत शैतान है, ऐसे पकड़ने के लिए कहता है कि मैं ये पकड़ूंगा ऐसे, बैठता नहीं है ये सीट में। और अब हम पहुँचने वाले हैं, अब हम पहुँच गए हैं, ये क्या बोलते हैं इसे कहते हैं इंद्रलोक। अब हम इंद्रलोक में पहुंच गए हैं। यहाँ से हम दूसरी मेट्रो लेंगे, वो हम लेंगे राजीव चौक के लिए। राजीव चौक कनॉट प्लेस वही है, वही मेट्रो पड़ती है राजीव चौक वाली। तो हम राजीव चौक में उतरेंगे, फिर यहाँ वहाँ से देखते हैं कितना पैदल चलना पड़ेगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी तो हमें पहले मेट्रो पकड़नी है। और ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। और अब हम राजीव चौक पहुंच गए हैं। ये राजीव चौक का नज़ारा बहुत बड़ा है, राजीव चौक मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाकर ना। लगता ही नहीं है कि हम मेट्रो में, मॉल भी है वहाँ पे, खाने पीने का जो भी आपको चाहिए। और यहीं इसके बगल में ही पालिका भी है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, सामान कपड़े वपड़े लेने हैं तो आप कपड़े भी ले सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मतलब शॉप भी हैं। मैं आई थी बहुत पहले, अभी तो हम नहीं आए क्योंकि अभी हमें टाइम हो रहा है। तो अभी हमें पहले सोच रहे हैं कि मंदिर जाएं, वहाँ दर्शन करें, तो अभी पहले हम मंदिर जाएंगे। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम बाहर कहाँ से निकलेंगे। और अब हम बाहर निकल गए थे काफ़ी ढूंढने के बाद, तो हम बाहर निकल गए हैं। अब जा रहे हैं कि मंदिर कहाँ है, अब मंदिर देखना है भाई, मंदिर कहाँ है। अब हम सोच रहे हैं मंदिर कहाँ है, चलो भाई चल रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं भाई, हम अपने में चले जा रहे हैं। मंदिर कहाँ है, चलो देखते हैं। और हम पता है कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मंदिर कहाँ होगा। लोग बाग आ रहे हैं ना, तो उनके माथे में बालाजी महाराज का जो टीका होता है वो है, तो उनको जब वो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो अगर सामने से आ रहे हैं तो पक्का मंदिर सामने ही है, वो सामने से आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और अब सब है ना इस स्लाइड की ना फ़ोटो ले रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ भाई, ऐसे क्यों सब फ़ोटो ले रहे, वीडियो बना रहे, तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ, मैं क्यों पीछे छूट हूँ इन कामों में जब सब बना रहे हैं। तो अब हमें रोड क्रॉस करना है, तो चलो अभी रोड क्रॉस करते हैं, बाद में वार्तालाप करते हैं। और फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए हैं। और यहाँ देखो मंदिर में लाइन, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो सीधा मंदिर में जाके ही ख़त्म होगी। और
अब देखो कितनी बड़ी लाइन है, और ये डबल लाइन है, यहाँ है इसके बगल में एक लाइन है, ये वहाँ से मंदिर से ही, और देखो मंदिर से ही कट के आ रही है। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हनुमान जी का जन्म उत्सव था, तो हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त हैं, उन्हें भी चाहिए था, उन्हें भी आशीर्वाद चाहिए कि हम भी भगवान के पास जाएं आशीर्वाद लें, और हम भी जाना चाह रहे थे कि भाई हम आशीर्वाद लें, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आकर। एक तो टाइम गलत था, आए हैं तो यहाँ पे दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी है, मन तो कर नहीं रहा है लाइन में लगने का। और अभी तो हम लोगों को देख रहे हैं भाई, कोई हमें लगा लो बीच में, पर कोई क्यों लगाने वाला भाई, सब अपने अपने इंतज़ार में कि हमारा नंबर अब आएगा तब आएगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं आगे, अभी आगे चलेंगे। अब हम बीच में भी नहीं लग सकते हैं ना, बीच में लगना भी पाप है, बीच में लग के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम अब मंदिर के आगे आ गए हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, मतलब कि जो इतनी बड़ी लाइन है वो लोग पागल हैं, और जो यहाँ से घुस के जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, आ रहे हैं और लोग अंदर चले जा रहे हैं, अपना आराम से दर्शन भी करके आ जा रहे होंगे। और मैं खड़े खड़े सोच रही हूँ कि हम जाएं या ना जाएं, मैं नहीं गई इसलिए क्योंकि मैंने सोचा अगर हम ऐसे अंदर जाते हैं जो मेरे से पीछे खड़े हैं, जो हम अभी देखते हुए आए हैं पीछे लाइन में लोगों को, जैसा कि आप सभी कार्य में जैसे कि जय जयकारा कितने हो रहे हैं भगवान के नाम के, और भगवान जी से माफ़ी मांगते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही देर में नंबर आएगा, क्या फ़ायदा 10-11 तो नहीं 10-11 भी बजते हैं, उससे ज़्यादा बच जाए, इसलिए भगवान बीच में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमसे पीछे खड़े हैं वो बेचारे इतने टाइम से खड़े होंगे, और हम जाएंगे आगे जाएंगे और आगे जाके घुस जाएंगे आगे, और बहुत से लोग आए हैं। मुझे लगता है ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि मेरे सामने से बहुत लोग आगे से घुस के चले गए थे, जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, करने के लिए हम भी कर सकते थे, बट ऐसा करना मुझे लगता कि अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वह दर्शन के ही घर जाना अच्छा रहेगा। और हालांकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि पीछे लाइन से लग करा सकती थी, पर इतना समय नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ में है, मेरा बाबू छोटा है, तो नहीं हो पाता है, हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, इसलिए मैंने बोला भगवान जी मैं फिर किसी और दिन जाऊँगी, अभी के लिए माफ करना, मैंने पता तो शायद जल्दी आते, बिल्कुल भी अंदाज़ा मुझे लगा भीड़ होगी, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी कि मुझे वहाँ से निराश होकर आना पड़ेगा। सो जय श्री राम। और बस यहाँ पर खड़े होकर हम देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा इधर आके हम साइड में आके थोड़ा सा बैठ गए थे, यहाँ पे भी देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। जाने का तो मन नहीं था, पर टाइम होता जा रहा था, मैंने सोचा था कि यहाँ से जाने के बाद हम दूसरे मंदिर जाते हैं जो हमारे घर के पास है, बालाजी मंदिर, जहाँ मैं रोज़ मंगलवार को जाती हूँ, तो मैंने सोचा जब यहाँ दर्शन हुए कोई बात नहीं, वहाँ जाएंगे, वहाँ तो दर्शन कर ही लेंगे, भगवान जी तो सब जगह एक ही होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद भगवान जी को याद करने के बाद हम यहाँ से निकले, और मेट्रो में बैठकर सीधा घर चले गए। यहाँ पे भी अभी भी बहुत लंबी लाइन थी, पता नहीं जो लोगों को मैं देखते हुए आई थी उन लोगों के आगे बड़ी थी लाइन कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन अभी भी बहुत लंबी लाइन थी, और हम तो निकल गए जाने के लिए। अब हमने सोचा क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ लगाएंगे तो हम बालाजी मंदिर भी नहीं पहुँच पाएंगे, घर भी तो जाना है, तो इसीलिए अब मिलते हैं हम बालाजी मंदिर में। बाय बाय।